सो गुड मॉर्निंग गाइस, और 10 अगस्त के करंट अफेयर्स में हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन कहाँ पे शुरू की जाएगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। तो अभी हमारे जो रेल मंत्री है ना, कौन है, पीयूष गोयल, उन्होंने ट्विटर के जरिए बताया है कि कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, जो कोलकाता में हुगली नदी के नीचे चलेगी ये ट्रेन। अच्छा, ये जो अंडर वाटर ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ चलेगी? तो ये सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से हावड़ा मैदान तक चलेगी, लगभग 16 किलोमीटर लंबी दूरी ये तय करेगी। अब ये कोलकाता में चलेगी, तो कोलकाता इसकी राजधानी है पश्चिम बंगाल की, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल, कैपिटल क्या है कोलकाता। और कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो आंसर होगा हुगली नदी के किनारे, जिस नदी के अंदर ये चलेगी। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, गवर्नर कौन है अभी नए बने, जगदीप धनखड़ बने। अच्छा, SSC 2010 में पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल के जो सुंदरबन के फॉरेस्ट है ना, उन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा मैनग्रूव्स फॉरेस्ट। और SSC 2016 में पूछा गया था कि लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया कहां पर है, तो आंसर होगा कोलकाता में। और IBPS RRBPO 2017 में पूछा गया था कि इंडिया की ओल्डेस्ट और इंडिया की लार्जेस्ट म्यूजियम कहाँ पर है, तो आंसर क्या होगा, फिर से कोलकाता होगा। अच्छा, आप मुझे बताओ, करण का एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत का पहला फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर कहाँ पे शुरू हुआ, तो आंसर होगा कोलकाता में। अच्छा, पश्चिम बंगाल के चुनाव आयुक्त कौन बने थे अभी, सौरव दास बने थे। अच्छा, फिर आप बताओ, मुफ्त फसल बीमा योजना कहाँ पे शुरू हुई है, तो पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। और पश्चिम बंगाल की 2 स्कीम को यूनाइटेड नेशन ने अवार्ड भी दिया था, कौन कौन सी वो योजनाएं हैं, तो उत्कर्ष बांग्ला और सबुज साथी। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि सेव ग्रीन स्टे क्लीन अभियान शुरू किया था किस राज्य ने, पश्चिम बंगाल ने ही, हरियाली को बढ़ाने के लिए, हरियाली को संरक्षण देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय उपमहाद्वीप में एक दिन में सबसे ज्यादा बार देखे जाने वाले संग्रहालय कौन सा बन गया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विरासत एक खालसा संग्रहालय। अच्छा, ये म्यूजियम है किस स्टेट में, तो पंजाब में है, पंजाब के आनंदपुर साहिब शहर में है ये म्यूजियम। और अभी 20 मार्च को 20,563 पर्यटक ने इसका भ्रमण किया है, जो कि एक तरह का रिकॉर्ड है, यानी कि एक दिन में इतने सारे पर्यटक यहाँ पे आए हैं, जो कि एक दिन में भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा पर्यटकों द्वारा भ्रमण किया जाने वाला म्यूजियम इसे बनाता है, और इसीलिए इस म्यूजियम को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अच्छा, इस म्यूजियम का उद्घाटन कब हुआ था, तो 2011 में इसका उद्घाटन हुआ था। और मैं आपको बता दूं, डेली औसत यहाँ पे डेली 5,000 से 6,000 लोग तो आते ही हैं घूमने। अब ये पंजाब का है, तो येरा मैप में पंजाब, कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है, याद रखना हरियाणा की भी कैपिटल चंडीगढ़ ही है। मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर। अच्छा, इसी साल के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि सिंधु नदी की डॉल्फिन को पंजाब का जलीय जानवर, एक्वेटिक एनिमल भी घोषित किया गया था। और अभी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य के जानवरों को विधिक दर्जा भी दिया था, मतलब राज्य के जानवरों को व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाएगा, व्यक्ति माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय विश्व स्वदेशी व्यक्ति दिवस, इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस, ये हमने कब मनाया, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 9 अगस्त को। तो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, हर साल को 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। अब यूनाइटेड नेशन इस दिवस को क्यों मनाता है, मतलब इसके पीछे उद्देश्य क्या है उसका, तो इन जनसंख्या समूहों की जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाता है। अच्छा, इस बार की थीम क्या रही है, इंडिजिनस लैंग्वेज। अच्छा, इस महीने में अभी तक हमने एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे। और वैसे आपको पता ही है, 6 अगस्त को हमने हिरोशिमा दिवस मनाया और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। क्या हुआ था, हिरोशिमा दिवस को जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पे 6 अगस्त 1945 को एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था। अच्छा, इस न्यूक्लियर बॉम्ब से मैंने आपको 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताए थे। इस बॉम्ब का नाम आप याद रखो, लिटिल बॉय। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने और बताया था, ये जो लिटिल बॉय नाम का बॉम्ब है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब जो हिरोशिमा पे गिराया गया था, ये कौन सा बॉम्ब था, तो ये एक यूरेनियम बॉम्ब था, यानी कि यूरेनियम नाम का जो न्यूक्लियर है वो इसमें भरा हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है।
अच्छा, आप ही में से अभी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था मैसेज करके कि उनका कोई एक एग्जाम हुआ था, वहाँ पे ये तक पूछ लिया गया कि ये जो बॉम्ब गिराया था ना, वो किस प्लेन से गिराया था। अब देख लो कितना डीप में जाके क्वेश्चन पूछा है। अब जिसने पढ़ा होगा ना, वो इसका आंसर कर पाएगा। तो इसका आंसर है बोइंग B-29 एनोला गे, ENOLAGAY। और फिर इसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था। और वो बॉम्ब कौन सा है, फैटमैन, ये मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता हूँ कि वो बॉम्ब कौन सा है, ठीक है? तो प्लूटोनियम बॉम्ब है, यानी कि प्लूटोनियम से बना हुआ है। और ये भी देख लो ये किस प्लेन से गिराया गया था, तो बोइंग B-29 बॉक्सकर, BOCKSCAR। तो ये आपको याद रखना है, बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत कितनी इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5,595, 5,595। तो सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण में राज्यों में 5,595 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी दे दी है। और अगर इसमें बात करें ना कि किस राज्य को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं, तो फिर आंसर होगा उत्तर प्रदेश को 600 बसें मिली हैं, फिर तमिलनाडु को 550 मिली हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ये फेम इंडिया योजना है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। तो देश में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने फेम इंडिया योजना लॉन्च की थी। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। देखो, फेम की फुल फॉर्म होती है क्या है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि कस्टमर को सस्ते दामों पर हाइब्रिड व इलेक्ट्रिक व्हीकल उपलब्ध कराया जाए। अच्छा, हमारी सरकार का ये योजना में एक लक्ष्य रखा है उसने कि 2022 तक देश में 60 से 70 लाख हाइब्रिड व इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड पे चले। तो ये है फेम इंडिया योजना, बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने का फैसला लिया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो अभी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने एक गाइडलाइन जारी की है कि जो भी ट्रांसजेंडर राज्य और राष्ट्रीय महिला टीम में खेलने की इच्छा रखते हैं, वो अब टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अब ये फैसला ऑस्ट्रेलिया ने लिया है। तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, कल परसों भी हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखा था, अगर आपको याद है तो मेरे साथ बोलना। कैपिटल क्या है, कैनबेरा है। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और इसके नए प्रधानमंत्री कौन बने थे, स्कॉट मॉरिसन बने थे। अच्छा, भी इच्छा मृत्यु लागू करने वाला ऑस्ट्रेलिया का पहला राज्य कौन सा बना था, तो विक्टोरिया बना था। और आपको पता होगा गूगल ने अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा भी कहाँ पे शुरू की थी, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा में। अच्छा, 2020 में जो आपके ATP कप होने वाले ना, उसकी मेजबानी, उसको होस्ट भी कौन करेगा, आपका ऑस्ट्रेलिया ही करेगा। और याद रखना ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। कई बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, अगर पूछा जाए किस ओशियन में है, तो पैसिफिक ओशियन में है, जो कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशियन है। अच्छा, कल परसों एक न्यूज़ हमने और देखी थी ऑस्ट्रेलिया से कि वर्ल्ड चैंपियन एथलीट सेली पियर्सन ने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये हर्डल रेस, जिसे आप हिंदी में कहते हैं बाधा रेस, में 2 बार वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी है, बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम आपको बताना है जिनका अभी कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिनेश कुमार खारा। तो दिनेश कुमार खारा ये SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिनका अभी कार्यकाल 10 अगस्त 2019 को समाप्त होने वाला था, पर अब उनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आपको SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम याद रखना है, क्योंकि अब ये नाम न्यूज़ में आ गया है। क्या नाम है, दिनेश कुमार खारा। बात SBI की हुई है तो इसके बारे में जान लो। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन कौन है इसके, रजनीश कुमार हैं। अच्छा, SBI की एक एप्लीकेशन भी है, योनो ऐप, अभी 2018 के लास्ट में आई थी, दिसंबर में आई थी शायद ये। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी, स्वप्ना बर्मन बनी थी। योनो मतलब यू ओनली नीड वन। अच्छा, SBI ने भारत की पहली ग्रीन कार लोन योजना भी शुरू की थी, आपको पता होगा। और SBI ने ब्याज दरों को रेपो रेट से लिंक भी करा था। अच्छा, मुझे बताओ अभी रेपो रेट कितनी हो गई है, ये कल परसों ही मैंने आपको बताया था, 5.4% हो गई है। अच्छा, किस बैंक ने कार्ड रहित पैसे निकालने की सुविधा दी है, तो फिर आंसर होगा SBI बैंक ने। और SBI के UK हेड कौन है, संजीव चड्डा को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, और ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, बढ़ते हैं आगे।
तो अगला प्रश्न है, बाफ्ता किस अभिनेता को चार्ली चैपलिन पुरस्कार से सम्मानित करेगा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, L.A. स्टीव कूगन को। तो एक्टर अभिनेता है स्टीव कूगन, और बाफ्ता यानी कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा चार्ली चैपलिन अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा, और ये अवार्ड इन्हें 2019 के ब्रिटेनिया अवार्ड के दौरान दिया जाएगा। अच्छा, बाफ्टा से आपको कुछ याद आया? अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था, एक आध महीने पहले ही, कि बाफ्टा के अगले चेयरमैन कौन नियुक्त हुए थे, कौन अपॉइंट हुए थे? कृष्णेंदु मजूमदार, ये यूके यानी कि ब्रिटेन के टीवी निर्माता हैं। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रमेश पोखरियाल ने। तो अभी हमारे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री HRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्होंने अभी देश में सभी स्कूली छात्रों के बीच जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान शुरू किया है। तो इस अभियान को देश के सभी स्कूलों में शुरू किया जाएगा। तो इस अभियान में होगा क्या? तो इसमें छात्रों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पानी के संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन के बारे में शिक्षित किया जाएगा। छात्रों को, स्टूडेंट्स को पानी की कमी से होने वाले खतरों के बारे में बताया जाएगा, और स्टूडेंट्स को पानी के नेचुरल जो रिसोर्सेज है ना, उनकी रक्षा के लिए जागरूक बनाया जाएगा। और प्रत्येक स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट को हर दिन कम से कम 1 लीटर पानी बचाने में मदद करने और कम से कम पानी बर्बाद करने इसके लिए प्रेरित भी किया जाएगा। तो ये है समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान, जिसे लॉन्च किया है HRD मिनिस्टर कौन? रमेश पोखरियाल निशंक ने। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में हाशिम अमला ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। आपको बताना है ये जो हाशिम अमला है ये किस देश के प्लेयर है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका के। तो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हैं हाशिम अमला, पर अब इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अच्छा, संन्यास की बात चल रही है, रिटायरमेंट की बात चल रही है, तो एक और नाम मैं आपको बताता हूँ, डिएगो फोरलान, ये उरुग्वे के फुटबॉल प्लेयर हैं और इन्होंने अभी फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। आपको बताऊं, इन्होंने 2010 में फीफा वर्ल्ड कप में बेस्ट प्लेयर चुने जाने के बाद गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अच्छा देखो, हाशिम अमला ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, तो येरा मैप में साउथ अफ्रीका, कैपिटल क्या है? कैपिटल देखो, उसकी 3 कैपिटल है, कैपिटाउन, प्रिटोरिया और ब्लॉमफोंटेन, तो ये आपको याद रखनी है। अच्छा, करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड है। प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा, अभी फिर से रीअपॉइंट हुए थे, मतलब फिर से चुने गए थे ये। और आपको पता होगा 2019 के हमारा रिपब्लिक डे, उसमें चीफ गेस्ट यही तो थे। अच्छा, इसके अलावा साउथ अफ्रीका से मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ कि साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर कौन, जैक्स कालिस, इनको ऑर्डर ऑफ इकमंगा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, कौन महिला रूपांतरण भारत यानी कि WTI वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के चौथे संस्करण का शुभारंभ करेगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। तो नीति आयोग जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है ना, जो वुमेन महिला उद्यमी है ना, उन्हें पुरस्कृत करेगा, और ये WTI यानी कि वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का आयोजन संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के सहयोग से पूरे भारत में महिला उद्यमियों यानी कि एंटरप्रेन्योर को पहचान दिलाने के लिए करेगा। और इस साल की थीम भी है, थीम क्या है? वुमेन्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा देखो, अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि व्हाट्सएप ने नीति आयोग के साथ समझौता भी किया था, किस लिए? इसी महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए। अब नीति आयोग करेगा, तो इसके बारे में जानो, स्थापना हुई थी इसकी 1 जनवरी 2015 को, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्योंकि कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। इसके अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री हैं यानी कि नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है, और CEO का नाम इम्पोर्टेंट है, अमिताभ कांत है। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी इनका कार्यकाल खत्म हो गया था और अभी इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है, तो उनका नाम आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में स्तनपान शिशु और युवा बच्चों के आहार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, टॉप पर है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर। तो अभी हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं हमारे हर्षवर्धन सिंह, और इन्होंने स्तनपान पर एक रिपोर्ट जारी की है, और इसमें टॉप पे रहा है आपका मणिपुर।
और इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार ये सबसे नीचे हैं। तो याद रखना, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। अच्छा, मणिपुर टॉप पर रहा है, तो ये रहा मैप में मणिपुर। कैपिटल क्या है? इम्फाल है। मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला है। अच्छा, आप मुझे बताओ कि किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो फिर आंसर होगा मणिपुर को। और आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर में है लोकटक झील और इसी को फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं, जिसपे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम क्या है? कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ही बड़ा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है भैया, याद रखना। अच्छा, मणिपुर के फेयेंग गांव को दिया गया था भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कॉलिन एकरमैन। तो अभी इंग्लैंड की काउंटी टीम लिस्टशायर की ओर से खेलते हुए T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं कौन? कॉलिन एकरमैन। ये साउथ अफ्रीका से हैं और बर्मिंगम बियर्स के खिलाफ खेलते हुए 4 ओवर में ही 18 रन देते हुए 7 विकेट लेकर के ये दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए T20 में 7 विकेट लेने वाले। तो नाम याद रखना भैया, कॉलिन एकरमैन। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि RBI ने रेपो रेट को घटा करके कितना कर दिया है? तो सही उत्तर था ऑप्शन बी, 5.40%। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अच्छा देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं। अभी कुछ दिन से आपको लग रहा होगा मेरा साउंड बिल्कुल सही नहीं आ रहा है, मैं साउंड बिल्कुल नहीं सही दे पा रहा हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तो पता है, क्योंकि मैं एक बार पहले बता चुका हूँ कि मेरे मुंह में अल्सर हो रहे हैं, जिसे आप कहते हैं छाले हो रहे हैं, पूरा मुंह भरा हुआ है। और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, और उन स्टूडेंट्स से अंदाज़ा लगा लिया कि आपके माउथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं, एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन मैं आप में से कुछ 2-4 जो लोग छुपे बैठे हैं ना, जो हमेशा मौका ढूंढते हैं मुझे टोन मारने का या फिर मुझे क्रिटिसाइज करने का, वो लोग मैसेज करते हैं कि भैया मुँह में सुपारी चबा रहा है क्या, तंबाकू लगा रखा है क्या, पहले तंबाकू थूक करके आओ, बोलना नहीं आता क्या, पढ़ाना नहीं आता क्या। तो देखो, मुझे उनके कमेंट से फ़र्क भी नहीं पड़ता है, और मैं उनको समझाने में अपनी एनर्जी भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ तो मुझे नहीं पता कि आप लोग स्टूडेंट हो या कोई और हो, क्योंकि स्टूडेंट तो इस तरह की हरकत नहीं करेगा। तो सिर्फ आपको इतना सा बताना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो आपको उसका इतना तो समझ होना चाहिए कि उसका कभी मजाक नहीं उड़ाया जाता है। मुझे अल्सर है, मुझे एलर्जी है, मुझे ये हर महीने होते हैं। चलो मैं आपको बता ही दूँ, मुझे मीठे से एलर्जी होती है। अगर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, लेकिन आपको बताने का मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, सिर्फ पढ़ाया ही जाता है, फालतू इधर उधर की बात नहीं होती है। लेकिन आज आपने मुझे मजबूर कर दिया, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मुझे कुछ भी अगर मैं मीठा खाता हूँ, मैंने 3-4 दिन भगवान का प्रसाद खा लिया था मीठा वाला, तो मुझे अल्सर हो गए हैं। अगर मैं नेचुरल कोई मीठा भी खा लेता हूँ, जैसे किशमिश खा लिया अगर 3-4 दिन मैंने आधी आधी मुट्ठी भी, तो मुझे हो जाएंगे। 4-5 दिन चाय पी लूँगा कंटिन्यू, कॉफ़ी पी लूँगा मीठी, तो मुझे अल्सर हो जाएंगे। अभी मैं आपको क्या बताऊँ, 10 दिन हो गए मुझे कंटिन्यूस बीमारी को, अभी तक आराम नहीं आया, ट्रीटमेंट चल रहा है आयुर्वेद का, खाना नहीं खा पा रहा हूँ मैं। खाना पड़ता है तो दलिया खाता हूँ ताकि उसको डायरेक्ट नंगल पाए, पानी पीता हूँ तो जान निकल जाती है, बोल नहीं पाता हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जितना मैं सहन कर सकता हूँ, बोलने में दर्द होता है, मुँह हिलता है, जीभ हिलती है, सब हिलता है तो दर्द होता है, लेकिन मैं जितना बोल पाता हूँ, जितना सहन कर पाता हूँ उतना बोलता हूँ। ज़्यादा क्लियर नहीं बोल पाता हूँ, उससे ज़्यादा मैं सहन नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा क्लियर नहीं बोल पाता हूँ। अब मैं छुट्टी भी कर दूँ, 2-4 दिन हम लीव पे भी रह लें, लेकिन उससे क्या होगा, मेरे एक जने के कारण इतने सारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा, और वो मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक बार लिंक टूटने के बाद बड़ी मुश्किल से लिंक जुड़ता है। इसलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, जितना मुझसे हो सकता है पॉसिबल होते हुए मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा समझें, आपको जो करना है, आप मुझे पता है आप लोग शायद स्टूडेंट्स नहीं है या जो भी है, उस बारे में मैटर बात नहीं कर रहे हैं। आप इसको डिसलाइक करते हैं, आप कैसे भी कमेंट करें, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके सब्र का इंतहाम न ले। खुदा ने आपको एकदम स्वस्थ बनाया, आपको कोई बीमारी नहीं दी है, तो इसका आप उसका जश्न मनाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई बीमार इंसान है तो आप उसका मजाक बनाएं। खुदा ना करे कल आपको कोई बीमारी हो जाए और कोई व्यक्ति आपका मजाक उड़ाएगा, तो उस बीमारी से ज्यादा आपको दुख उसके जो ताने होंगे ना उसका लगेगा। तो इस तरह की हरकतें ना करें, हम पढ़ा रहे हैं हमें पढ़ाने दें, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दें। तो बस इतनी सी ये बात थी। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अब उन पे वापस आते हैं। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे हमेशा की तरह, तो ये रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, आप इस वीडियो को पॉज करिएगा और इनको सॉल्व करिएगा।
तो उम्मीद करूंगा वीडियो को पॉज करके आपने इनको सॉल्व कर लिया होगा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे पर यहाँ पे नहीं, पजल वाले वीडियो में हम इनको सॉल्व करेंगे, आपको पता ही है। और वहाँ पे पजल वाले वीडियो में हम पुराने डेज के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करेंगे, कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेज वाले क्वेश्चन भी होंगे। जो नए स्टूडेंट हैं उनको बता दूं, पजल वाला वीडियो यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा देखो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। जो भी आपके पास व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप होगा, आप इसको शेयर करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, हमें भी अच्छा लगेगा, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रेक जी के ट्रिक।